हेलो एंड वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिखाओ गुरुजी पर। मेरा नाम है नवाज। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बैकग्राउंड के सेटअप की वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम हमारा यूट्यूब स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं और एक के बाद एक वीडियो आने वाली, जो जो चीज़ें मैं अपने सेटअप में लगाने वाला हूँ। तो आज जो हमारी वीडियो आने वाली है दोस्तों, आज जो हमारा टेबल है जो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, तो आज हम उसको रिपेयर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों होता ही है कि अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो आपने देखी अनबॉक्सिंग की, तो उसमें मैं अपना LED TV जो रखा हुआ है उस टेबल पर अपने अनबॉक्सिंग की वीडियो शूट करता था और अपने फैमिली मेंबर्स को दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कह देता था और TV वगैरह ऑफ़ कर देता था, तो उससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता दोस्तों। तो आज मैं अपने इस पुराने टेबल को आपको सेटअप करके बताऊँगा कि आप इतने पुराने टेबल को किस तरह से बेस्ट टेबल बना सकते हैं और अपना लैपटॉप वगैरह, जो भी आप डेस्कटॉप वगैरह जो रखना चाहते हैं उस पर रख सकते हैं। तो और अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके तो ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों, मुझे मेरा बैकग्राउंड का सेटअप किस तरह लग रहा है आपको ये ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो मुझे 120 रुपये इसका खर्चा पड़ा था और अभी जो हम हमारा टेबल रिपेयर करने वाले हैं उसका भी खर्चा कुछ 100 या 120 ही रुपये पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साइड में नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इस पर अगर हम कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो वगैरह शूट करें तो बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इसको हम इस कारपेट के ज़रिए, आप देख सकते हैं ये कारपेट है, ये मैंने 120 रुपये का लाया है, तो इसके ज़रिए हम इसको इस पर चिपका देंगे और देखेंगे हमको किस तरह का लुक देखने को मिलता है। इसको काटने से पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इसको मैं अभी के लिए रख देता हूँ साइड में। इसकी लंबाई अगर हम देखें दोस्तों, इसकी लंबाई तकरीबन 4 फीट है और इसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो 31 इंच है दोस्तों, तकरीबन ढाई फीट चौड़ाई है इसकी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमने इस शीट को इस टेबल पर चिपका दिया है। चिपकाने में मेहनत बहुत लगी दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं शीट चिपकने के बाद हमारा टेबल किस तरह का लग रहा है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का लग रहा है। मैं प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, फिर भी मैंने कोशिश की चिपकाने की और देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से चिपक गया है। और दोस्तों फ्यूचर में हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो इसी टेबल पर आने वाली है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।